नवंबर के महीने में ऑटो सेक्टर धीमी रही। इस दौरान ज्यादातर वाहन कंपनियों की सेल में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों की कुल बिक्री नवंबर के महीने में 9% घटकर 1,39,184 यूनिट रह गई। वहीं इसकी एक वजह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी भी है, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। महिंद्रा की सेल में भी आई कमी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से आए बयान के मुताबिक पिछले साल नवंबर महीने में कंपनी की कुल बिक्री 1,53,223 यूनिट थी। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार नवंबर में घरेलू बिक्री 18% घटकर 1,17,791 यूनिट हो गई। इधर मारुति की तरफ से आए बयान में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी की वजह से वाहनों के प्रोडक्शन पर मामूली सा प्रभाव पड़ा था और कंपनी ने प्रभाव को कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए थे। हुंडई मोटर्स की सेल 21% घटी। वही मारुति सुजुकी के अलावा हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की नवंबर में कुल बिक्री 21% घटकर 46,910 यूनिट हो गई। कंपनी की तरफ से ये जानकारी बीते बुधवार को दी गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बीते साल के नवंबर महीने में कंपनी ने 59,200 यूनिट की बिक्री की थी। वहीं पिछले साल नवंबर की तुलना में नवंबर 2021 में एक्सपोर्ट 5% घटकर 9,909 यूनिट रह गया। बजाज ऑटो की सेल में 10% की कमी। बजाज ऑटो ने बुधवार को बताया कि नवंबर 2021 में उसकी कुल बिक्री 10% घटकर 3,79,276 यूनिट हो गई और कंपनी ने एक साल पहले इस महीने में 4,22,240 वाहन बेचे थे। बजाज ऑटो की तरफ से बताया गया कि कंपनी की घरेलू बिक्री पिछले महीने 20% गिरकर 1,58,755 यूनिट हो गई, जो पिछले साल नवंबर में 1,98,933 यूनिट थी। हालांकि कुल कमर्शियल वाहनों की बिक्री 10% बढ़कर 40,803 यूनिट हो गई, जो पिछले साल इस महीने में 37,247 यूनिट रही थी।